राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु पूज्य गुरुदेव, भगवान कृष्ण के विवाह कैसे कैसे हुए, कृपा करके आप हमें वह भी बताइए। आदरणीय सुखदेव कहते हैं, राजन सुनो, पहला भगवान का विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ और दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती के साथ हुआ, तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से हुआ, चौथा विवाह भगवान का सूर्य की पुत्री यमुना से हुआ, जिनका दूसरा नाम कालिंदी भी था, पांचवा विवाह मित्रवृंदा से हुआ और छठा विवाह हुआ नग्न जिति से, सातवां विवाह हुआ भद्रा से और आठवां विवाह हुआ लक्ष्मणा से। ये भगवान के अब इन विवाहों के पीछे सबका एक रहस्य है, क्यों हुआ कैसे हुआ। तो और अन्य कथाओं में पहले बताया गया है। तो ये आठ भगवान की पट्टानियां हैं, इसे कहते हैं अष्टधा प्रकृति। गीता में किस श्लोक आता है, इस श्लोक में बताया गया है कि ये आठ प्रकृति हैं भगवान की जो हमेशा साथ रहती हैं, और जब साथ रहती हैं प्रकृति भगवान का तभी तो रचना रचते हैं। प्रकृति के बिना तो सृष्टि रची ही नहीं जा सकती, प्रकृति है तभी संसार है, प्रकृति नहीं तो संसार कहाँ होगा। कि भूमि रापो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकारम तीयम मे भिन्ना प्रकृतरी अष्टधा। ये आठ प्रकृति भगवान के साथ सदैव रहती हैं, पूज्य सुखदेव कहते हैं, राजन सुनो, एक भूमि का पुत्र जिसका नाम था भौमासुर, एक भूमि का नाम सत्या भी है, जो सत्य के पथ पर टिकी हुई है, अगर सत्य नहीं हो तो पृथ्वी टिक नहीं सकती, पृथ्वी फट जाएगी, ये सब संसार समाप्त हो जाएगा। सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है, जब धर्म नहीं होगा तो सत्य कहां होगा। धर्म की वशीभूत ही ये धरा है जिस पर धर्म होता है, इस धरा पर अगर धर्म नहीं होगा तो फिर भगवान की प्रकृति भी कहां रहेगी, कहां रहेंगे सब जीव। तो भौमासुर का ये बलवान पुत्र था जिसका नाम भौमासुर, भूमि का पुत्र था, तो इसने वरदान पाकर कि बड़ा बलवान ये राजा था, तो उसके मन में भाव आया कि मैं अनेक अनेक प्रकार के राजाओं के यहाँ जा करके उनकी राजकन्याओं को चुरा करके बंदी बनाऊंगा और सबके साथ पर एक साथ विवाह करूंगा। अब अलग अलग नगरों में शहरों में जाकर के उन राजाओं के घर में जाता, अपनी माया से उन कन्याओं को चुरा के ले आता, चुरा चुरा करके एक कमरे में बंद करता जाता। अब वो राजकन्याएं 16,100 एकत्रित हो गई, सबने प्रार्थना की कि गोविंद ही हमें, कृष्ण ही हमें बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। एक दूत के द्वारा पत्रिका भेजी, भगवान ने उस पत्रिका को पढ़ा और सत्यभामा को साथ लिया, क्योंकि सत्यभामा बहन है ना भौमासुर की, कहा कि अगर मैं इसके बिना पूछे मार दूंगा तो घर में कलेश हो जाएगा और ये राजा बड़ा अनर्थ कर रहा है, राक्षस, ये भौमासुर अच्छा काम नहीं कर रहा। सत्या को साथ में लिया, इसी ने ही कुबेर का छत्र चुराया,
और ऐसी भौमासुर ने ही देवताओं की अदिति जो माता थी देवताओं की, उसके बड़े सुंदर कुंडल थे लंबे लंबे चौड़े चौड़े हीरे के, उन कुंडलों को भी चुरा लिया। बड़ा अनर्थ कर रहा था, तो भगवान सत्या को लेकर के आए, उसके उस विषय को देख करके, उस काम को देख करके सत्यभामा को भी अच्छा नहीं लगा। सत्यभामा ने कहा, प्रभु से अब मार दीजिए, अब ये रहने के लायक नहीं है। देखिए, व्यक्ति के जीवन में सुख दुख जो आता है ना, ये आपके अपने शुभ अशुभ कर्मों के द्वारा आता है। भगवान न तुमको सुख देता है, न भगवान तुमको दुख देता है, तुम्हारा शुभ अशुभ कर्म ही आपको दुख और सुख देता है। भौमासुर का कर्म ऐसा था जो भगवान को मारना पड़ा, इसलिए अशुभ कर्मों से बचिए, अशुभ राह पर चलने से बचिए। सुख चाहते हैं तो, जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो, अशुभ मार्ग पर चलने वाला ही व्यक्ति दुखी होता है, उसे सुखी कोई बना नहीं सकता। अगर सुखी बनाएगा तो उसका स्वयं का सुख ही, उसका शुभ कर्म ही सुखी बनाएगा। इसलिए प्रेम से कहो श्री राधे, तो सुख दुख ये सबके जीवन में है। जहां सुख है ये मत सोचना कि हम सुखी रहेंगे सदैव, जहां सुख होता है वहां किसी न किसी कारण से व्यक्ति से अपराध बन जाता है, गलती कर देता है, वही सुख आपका फिर दुख में परिवर्तन हो जाता है। जहां सुख है वहां दुख है, ये सुख दुख दोनों भाई हैं। इसलिए ध्यान रहे कि जीवन में केवल हमें अगर भक्ति करनी है तो परमात्मा की करनी है, आसक्ति करनी है तो केवल भगवान की ही करनी है। सभी बहुत प्रसन्न हुए, सबके मन में भाव था कि रुक्मिणी और कृष्ण सा आनंद रहते हैं। सत्यभामा के कहने से भगवान ने भौमासुर को मारा और 16,100 कन्याओं को लेकर के भगवान द्वारिका में आए और वहां सबके साथ में सा आनंद विवाह किया। अब ये ध्यान दें, ये 16,100 पत्नी कौन है? 16,000 हैं हमारे कर्म कांड के श्लोक मंत्र और 100 प्रकार के हैं उपनिषद, यही भगवान की पत्नियां हैं और 8 वो प्रकृति हैं जो भगवान के साथ रहती हैं। ये वही वेद मंत्र हैं, वही उपनिषद हैं, जहां भगवान के साथ रहते हैं वही उनकी पत्नियां हैं, कोई और नहीं। सा आनंद से भगवान रहने लगे द्वारिका में, सबके लिए अलग अलग महलों में स्थान दिया गया और किसी भी रानी को ये पता नहीं चला कि कृष्ण हमारे साथ नहीं है, सबके साथ थे, सबके साथ रह रहे थे। सभी वहां आनंद से रहने लगे। भगवान ने एक बार विचार किया कि मैं देख रहा हूं सभी तो रानियों को क्रोध आता है लेकिन सत्यभामा को, रुक्मिणी को कभी क्रोध नहीं आता। परीक्षण किया, रुक्मिणी इतनी उदार है, कि वो कभी भी क्रोध नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।